कभी बहुत मुश्किल काम हुआ करता था इन दौर में बिल्डिंग का नक्शा पास कराना। आम लोगों को नक्शे पास कराने के लिए एक लंबी और जटिल प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जिसमें काफी समय लगता था, इसलिए नक्शे पास कराना कठिन काम था। लेकिन वक्त बदला और इन दौर में एक नई सुबह की शुरुआत हुई। इस नई शुरुआत ने नक्शे पास कराने के काम को बेहद सहज और सरल बना दिया। मध्य प्रदेश सरकार ने इंदौर शहर में जनवरी 2011 में ऑटोमेटेड बिल्डिंग प्लान अप्रूवल सिस्टम लागू कर दिया। अब नक्शे पास कराना एक क्लिक से ही संभव होने लगा। इसके लिए इंदौर नगर निगम ने कुछ कंसल्टेंट्स का पंजीकरण किया। आर्किटेक्ट, टाउन प्लानर, स्ट्रक्चरल इंजीनियर, सिविल इंजीनियर के रूप में ये कंसल्टेंट्स आम लोगों के काम को आसान करने लगे। कंसल्टेंट्स के जरिए ऑनलाइन नक्शे जमा होना इस पूरी प्रक्रिया का पहला चरण है। डेवलपमेंट कंट्रोल रेगुलेशन सेल में बैठे लोग इन नक्शों की नियमों के अनुसार छानबीन करते हैं। डीसीआर सेल द्वारा 24 घंटों में अंतिम रिपोर्ट कंसल्टेंट के पास भेज दी जाती है। अगले चरण में सभी संबंधित दस्तावेज मैन्युअली निगम अधिकारियों के पास जमा कराए जाते हैं। यहां इन दस्तावेजों का ऑनलाइन दस्तावेजों से मिलान किया जाता है। सारे दस्तावेज सही पाए जाने पर निर्धारित अधिकारियों द्वारा साइट विजिट की जाती है और इसके बाद डिमांड नोट तैयार किया जाता है। क्लाइंट्स इसका भुगतान ऑनलाइन या मैन्युअली कर सकते हैं और आखिर में निर्माण कार्य की मंजूरी दे दी जाती है। पहले जहां अप्रूवल में 2 माह तक का समय लगता था, वहीं अब 2400 वर्ग फीट के प्लॉट की स्वीकृति मात्र 24 घंटों के अंदर दे दी जाती है और यदि प्लॉट इससे बड़ा है तो उसको निगम की स्वीकृति 30 दिनों के भीतर मिल जाया करती है। सिटी एरिया या मास्टर प्लान आदि के लिए ये अवधि 60 दिन निर्धारित की गई है। आम आदमी के साथ साथ निगम के लिए भी ये फायदेमंद साबित हुआ। नियमों को समझने में सावधानी, एरिया और फीस कैलकुलेशन में सटीकता दिखाई पड़ने लगी। निगम के खिलाफ होने वाली शिकायतों में कमी आई और सभी आंकड़ों के डिजिटलाइजेशन ने निगम की छवि बेहतर बनाई। इस उपलब्धि के लिए इंदौर नगर निगम को ई गवर्नेंस पुरस्कार से नवाजा गया।